हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आए हैं जो कि आरआरबी ने दिया है। आरआरबी ने स्पष्ट रूप से बोला है कि अब आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम और आरआरबी ग्रुप डी, आरआरसी ग्रुप डी और आरआरबी जेईई 2 का एग्जाम कब होगा, आपको इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगा और बहुत ही सही जानकारी दूंगा। आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों, रेलवे ने अपने तरफ से अपडेट करते हुए बताया कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हम लोग कराने के लिए तैयार हो गए हैं और जैसे ही हम लोग जल्द से जल्द नोटिफिकेशन देंगे तो मैं आपको बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम कब से होगा। आरआरबी ने इसके पहले अभी पैरा मेडिकल का एग्जाम कंडक्ट करवाया है और जस्ट अब एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट होगा। सभी लोग पूछ रहे थे, सर एनटीपीसी का एग्जाम पहले होगा कि ग्रुप डी का होगा? तो हम आपको पहले स्पष्ट रूप से बता दें कि एनटीपीसी का एग्जाम पहले होगा और ग्रुप डी आरआरसी करवाएगी। तो हो सकता है साथ में करवा दें, नहीं तो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम पहले होगा किससे? ग्रुप डी से। ओके, और आरआरबी जेईई जो सीबीटी 2 का एग्जाम है वो अभी इसका रिजल्ट सीबीटी 1 का आने के बाद कम से कम 1-1.5-2 महीने तो टाइम लेगा ही लेगा। तो चलिए हम आपको बता दें कि सबके एग्जाम डेट कब से कब किस महीने में कंडक्ट होगी। तो आपको बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम होगा वो होगा अगस्त के लास्ट वीक में आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम आपका स्टार्ट होगा। ओके, और बहुत ही जल्द से कंडक्ट करवा जाएगा। और आपको पता है कि आपकी बार जो रेलवे जो ग्रुप डी का है वो आरआरसी करवा रही है एग्जाम, तो वो पहले एनटीपीसी के साथ ही स्टार्ट हो सकता है या बाद में स्टार्ट होगा। और जहां तक चांस है पहले एनटीपीसी का होगा, इसके बाद रेलवे ग्रुप डी का होगा। ओके, और हम बता दें रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आई थिंक अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सितंबर के लास्ट वीक से स्टार्ट हो। ओके, सितंबर के लास्ट वीक से स्टार्ट हो या अक्टूबर के फर्स्ट वीक से। ओके, तो ये हो गया, ये ग्रुप डी के लिए बोल रहा हूँ। आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए बता दें कि अभी आपका अगस्त फर्स्ट वीक अगस्त में इसका रिजल्ट आएगा। फर्स्ट वीक अगस्त में आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का आपका आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद कम से कम रिजल्ट आने के बाद नॉर्मलाइजेशन ये सब प्रोसेस होने के बाद कम से कम आपको 50 दिन का टाइम मिलेगा। ठीक है, 50 दिन के टाइम के बाद आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों का एग्जाम होगा सीबीटी 2 के लिए और वो लोग नोटिफिकेशन देके आप लोगों को बता देंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें। और बस एक सप्ताह, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके बोल रहे थे, सर आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए सर हम लोग तैयारी करें, मेरा इतना नंबर आ रहा है, सर हम क्या करें? तो हम स्पष्ट आप लोगों से बोलना चाहते हैं, फर्स्ट वीक में आप लोगों का रिजल्ट 100% आ जाएगा आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का। तो आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए। अगर आप लोगों को आसपास कटा जो हमने कवर आपकी वीडियो बनाई थी उसके पास नंबर है तो आप लोग तैयारी जारी रखिए, बस एक हफ्ते का वेट करिए। ठीक है, सीबीटी 2 का एग्जाम हम आपको बता दिए कि उससे 50 दिन कम से कम आपको मिलेगा। ठीक है ना, तैयारी जिस बच्चों को 60 ABAB है वो तो तैयारी करते ही रहे। ठीक है, तो ये छोटी सूचना देनी थी। और आरआरसी ग्रुप डी का जो हमने बताया है वो आपका अगस्त बोला हमने, अक्टूबर या सितंबर फर्स्ट वीक या अगस्त के लास्ट में स्टार्ट होगा या अक्टूबर में भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन सबसे पहले एनटीपीसी का होगा एग्जाम, एनटीपीसी के बाद ही ग्रुप डी का नंबर आएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये छोटी सी सूचना देनी थी। आप लोग कमेंट करके बोल रहे थे तो एक वीडियो बनाओ, हम लोग बना दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, 100% सही है दोस्तों ये वीडियो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।